हेलो दोस्तों, आप सभी को हमारे इस वीडियो में बहुत बहुत स्वागत। दोस्तों मैं शिवम अपने YouTube चैनल टेक्निकल शिवम पे स्वागत करता हूं। दोस्तों आज इस वीडियो के अंदर मैं आपको बताने वाला हूं इस सेटिंग के बारे में, यानी कि जब आप अपने मैसेजिंग एप्लीकेशन को ओपन करते हो और सेटिंग पे ओपन क्लिक करते हो तो वहां पे आपको देखने को मिल जाता है ब्लॉक MI मैसेजेस फ्रॉम अननोन नंबर, यानी कि एक ये सेटिंग देखने को मिल जाती है। इस सेटिंग को ऑन करने से क्या होता है, इस सेटिंग को ऑफ करने से क्या होता है, वो मैं आपको पूरा डिटेल्स में बताने वाला हूं। तो वीडियो थोड़ा ध्यान से देखना पड़ेगा और वीडियो पूरा देखना पड़ेगा तभी आपको पता चलेगा इस सेटिंग के बारे में कि कैसे आप इसे यूज कर सकते हो, इसे क्या परिवर्तन पड़ता है। तो वीडियो चलो स्टार्ट कर लेते हैं। वीडियो स्टार्ट करने से पहले हमारी एक छोटी सी रिक्वेस्ट है, वीडियो पसंद आए तो वीडियो को लाइक करें, चैनल पर पहली बार आए हो तो चैनल को सब्सक्राइब करके बेल आइकन जरूर दबाएं। आपको करने के अपने मोबाइल फोन के अंदर आपको मैसेजिंग एप्लीकेशन को ओपन कर लेना है। जैसे आप मैसेजिंग एप्लीकेशन को ओपन कर लेते हो आपको यहां पे सेटिंग पे क्लिक करना है। सेटिंग पे क्लिक करने के बाद यहां से फिर से आपको सेटिंग पे क्लिक करना है और यहां से आपको देखने को मिल जाता है ब्लॉक MI मैसेजेस फ्रॉम अननोन नंबर्स, यानी कि इस सेटिंग से क्या होता है वो मैं आपको बता देता हूं। यहां पे इसका मतलब क्या होता है, जैसे आप यहां पे मैं इसे हिंदी करके दिखा देता हूं, यहां पे लिखा हुआ है कि अज्ञात नंबर से MI मैसेज को ब्लॉक करें, यानी कि आपके मोबाइल नंबर पर मैसेजिंग एप्लीकेशन के अंदर जो आपने यहां पे ब्लॉक किया है नंबर को, वो सारे के सारे मैसेज आपको देखने को मिलना चाहिए या नहीं मिलना चाहिए। जैसे आपने बहुत सारे नंबरों को ब्लॉक कर दिया होगा, यानी कि बहुत सारे SMS आपके पास आए होंगे, मैसेज आपके पास आए होंगे और उन मैसेजों को आपने ब्लॉक कर दिया है, तो अगर आप चाहते हो कि यार वो ब्लॉक मैसेज यानी कि उस नंबर से फिर भी हमें कोई भी मैसेज सेंड किया जाए और वो हमें मैसेज यहाँ पे देखने को मिले या ना मिले, तो दोस्तों आप यहाँ पे इस सेटिंग को इनेबल कर सकते हो। यहाँ से देखने को मिलेगा ब्लॉक MI मैसेज फ्रॉम अननोन नंबर, यानी कि कोई भी अननोन नंबर से आपके पास मैसेज आएगा या दोस्तों आपके पास कोई ऐसे नंबर से मैसेज आता है जिसमें आपसे कोई डिटेल्स पूछी जाती है तो वो यहां पे ऑटोमेटिक ब्लॉक हो जाएगा, जैसा यहां पे आपको देखने को मिलेगा। यू सेल स्टिल बी अवेलेबल और उसके बाद टू रिसीव रेगुलर SMS फ्रॉम अननोन नंबर, यानी कि SMS तो आपको रिसीव हो जाएगा बट यहां पे आपको देखने को नहीं मिलेगा, वो पूरी तरीके से ब्लॉक हो जाएगा। तो मैं आज तक करूंगा, आज आपको पता चल गया होगा कि आखिरकार इस सेटिंग को कैसे यूज करते हैं, इस सेटिंग से क्या होता है। तो मिलते हैं नेक्स्ट वीडियो में, इस वीडियो के लिए इतना ही। वीडियो पूरा देखने के लिए बहुत बहुत धन्यवाद।